क्लास 10 के हिंदी के परीक्षा के लिए, क्लास 10 के हिंदी परीक्षा 2023 के लिए जो सोमवार के दिन होना है उसके लिए वीवीआई प्रश्न पत्र चूज किया जाता है। वीवीआई प्रश्न बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सुजाता। सुजाता नाम का जो राइटर है उनके द्वारा लिखा गया था नगर का। दो नंबर है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीत है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, उत्तर हो जाएगा पार्श्व वृत्ति का। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पार्श्व वृत्ति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पार्श्व वृत्ति का। तीन नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। चार नंबर प्रश्न है, हरिदास किसकी रचना है। चार नंबर प्रश्न है, हरिदास किसकी रचना है। हरिदास किसकी रचना है, उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु नानक। यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, गुरु नानक। ऑप्शन में हो जाएगा गुरु नानक द्वारा हरिदास की रचना की गई थी। पांच नंबर, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अचुत्य था। ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अचुत्य था, जिसका ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। छह नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक वहाँ निवास के मालिक रहकर अपना कार्य किए थे। 1893 से 1914 तक, 1893 से 1914 तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहकर अपना सारी कार्य किए। सात नंबर, कवि ने माली मालिनी किसे कहा है। कवि ने माली मालिनी किसे कहा है, उत्तर हो जाएगा कृष्ण और राधा को। कृष्ण और राधा को कवि ने माली मालिनी किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा को माली और मालिनी कहा गया है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखना आठ नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश से कराता था। यहाँ पर लिखा गया बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश से कराता था, यानी किशोर ने बहादुर से क्या कराता था, मालिश कराता था। किशोर जो था बहादुर से क्या कराता था, मालिश कराता था। किशोर जो था बहादुर से क्या कराता था, मालिश कराता था। यहाँ पर लिखा गया बहादुर घर छोड़कर भागा क्यों। बहादुर घर छोड़कर भागा क्यों, माँ के पिटाई की वजह से वह अपना घर छोड़कर भाग गया था। बहादुर अपनी माँ के पिटाई के कारण घर छोड़कर क्या कर गया था, भाग गया था। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। निर्मला कौन थी, निर्मला कौन थी, निर्मला लेखक की पत्नी थी। यह निर्मला लेखक की पत्नी थी, या इसको हम बोल सकते हैं मालकिन थी। बहादुर की कौन थी, निर्मला बहादुर के क्या लगती थी, तो मालकिन या निर्मला कौन थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह मालकिन थी या लेखक के पत्नी थी। 12 नंबर, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर जो नाम का लड़का था उस पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, उस पर 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, उस पर 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। बताया गया है 13
तेरा नंबर, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था। लेखक को बहादुर बाबूजी कहकर संबोधित करता था। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो ये हम लोग इतना प्रश्न पढ़े हुए हैं 13 तक, फिर आगे हम लोग बनाते हैं। 14 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपना पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब जो थे अपना पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। 15 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? उत्तर हो जाएगा आपका खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से मोटर कार को खतरा था। 17 नंबर प्रश्न है, सेन साहब के आंखों का तारा है। इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, सेन साहब ने गलती हो जाएगा इसमें ऑप्शन। सेन साहब के आंखों का तारा है खोखा, या सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा था। जब सेन साहब के पति और सेन साहब और उनके पत्नी का जब उम्मीद टूट गया था, तब खोखा का जन्म हुआ था, इसलिए बोला जाता है सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा था। 18 नंबर प्रश्न है, सेन साहब ने नई मोटर कार कितने में लाई थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने में लाई आई थी? ऑप्शन हो जाएगा 7,500 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 7,500 में, सेन साहब की कार जो थी न्यू वाली काला रंग की थी, उनका दाम 7,500 रुपया। यहाँ पर लिखा गया है 19 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, या निम्न में से कौन है? तो हम लोग बोल देंगे नलिन विलोचन शर्मा। इस पाठ का लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। लिखा गया है 20 नंबर प्रश्न है, घृणा का विलोम शब्द होगा। 20 नंबर प्रश्न है, घृणा का विलोम शब्द होगा। घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम। घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम। 21 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का परवर्ती शब्द नभ भी है, अंतरिक्ष भी है, आसमान भी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। यहाँ पर हम लोग का हजारी प्रसाद द्वारा नाखून क्यों बढ़ता है पाठ का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 23 नंबर प्रश्न है, ललित निबंध है। यहाँ पर हो जाएगा आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पे ललित निबंध हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध हो जाएगा। अब दिया गया है 24 नंबर प्रश्न, धची की हड्डी से क्या बना था? इनके हड्डी से बी नंबर ऑप्शन त्रिशूल बना था। 25 नंबर प्रश्न है, आग का परवर्ती शब्द अग्नि भी होता है, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि आज का सभी परवर्ती शब्द होता है।
26 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के अंतिम प्रोग्राम उनके पिताजी के साथ कहाँ हुआ था? अंतिम प्रश्न है सॉरी 26 नंबर, बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम उनके पिताजी के साथ कहाँ हुआ था? हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा मैनपुरी में हुआ था, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उनका पिता का जन्म कहाँ हुआ था सॉरी अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनपुरी में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला? 27 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला? 27 वर्ष की उम्र में उसको मिला, यानी उनको कितना वर्ष की उम्र में मिला? 27 वर्ष की उम्र में उनको यह अवार्ड मिला। 28 नंबर प्रश्न, जित जित मैं निरखत हूँ यह है क्या है? तो यह एक साक्षात्कार है, यह एक साक्षात्कार है। जित जित मैं निरखत हूँ यह एक का है साक्षात्कार है। 29 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका सगिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका सगिर्द मानते थे? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन पिता को, वह अपने पिता को सगिर्द मानते थे, अपने पिता को सगिर्द मानते थे। 30 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन हो जाएगा 1965, ऑप्शन हो जाएगा 1965 को उनको अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? यह हो जाएगा ऑप्शन विनोद कुमार सुकुल का, पेड़ पर रचना किसकी है सॉरी पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार सुकुल का। 32 नंबर, पिताजी बाजार से तीन मछलियाँ खरीदी थी। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, संतु अचानक में मछली लेकर भाग गया। 34 नंबर, नौबत खाने में इबादत है इस पर एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया गया है। नौबत खाने में इबादत में एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध है सहनाइयों से। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है किससे? सहनाइयों से। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, काशी में सांस्कृतिक पाठशाला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलीवारी में हुआ था। 37 नंबर प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलीवारी में। 38 नंबर, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर का।
ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर का। 39 नंबर क्वेश्चन है, रसखान की पुष्टि मार्ग किसने दीक्षा दी, रसखान की पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी, हो जाएगा यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, गोस्वामी। 40 नंबर है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, ऑप्शन हो जाएगा ब्रजभूमि, ऑप्शन हो जाएगा ब्रजभूमि। 41 नंबर प्रश्न है, सुजान रसखान किनकी रचना है, सुजान रसखान किसकी रचना है, ये हो जाएगा हम लोग का रसखान की हो जाएगा, रसखान की हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी कृति है, सुजान सागर किसकी कृति है, ऑप्शन हो जाएगा घनानंद का कृति है, घनानंद का कृति है। 43 नंबर प्रश्न है, घनानंद की भाषा है, 43 नंबर प्रश्न है, घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा ब्रज है। 44 नंबर प्रश्न है, कवि ने प्राजन्य किसे कहा है, कवि ने प्राजन्य किसे कहा है, सुजान को कहा है, कवि ने प्राजन्य किसको बोला, सुजान को बोला। 45 नंबर, घनानंद कवि है, रीति मुक्त कवि घनानंद कवि है, रीति मुक्त कवि है। 46 नंबर, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेम घन अपना आदर्श भारतेंदु हरिचंद्र जी को मानते थे। 47 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा किस देश में है, हिरोशिमा किस देश में है, जापान में है, हिरोशिमा किस देश में है, जापान में है। 48 नंबर प्रश्न, अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति से क्या उत्तर जाता है, ख जाता है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है, ख उत्तर जाता है। 49 नंबर, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो ईश्वर अपना भक्त को खोकर अर्थ खो बैठेंगे, ईश्वर अपना भक्त को खोकर अर्थ खो बैठेंगे। 50 नंबर है क्वेश्चन, मागमा क्या बेचती थी, सबको पता है मागमा वाला चैप्टर में मागमा दही बेचा करती थी। 51 नंबर प्रश्न है, मागमा की बहू का नाम क्या था, मागमा के बहू का नाम नाजमा था, ऑप्शन सी हो जाएगा, मागमा के बहू का नाम नाजमा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। मागमा को किससे विवाद था, मागमा को किससे विवाद था, मागमा को बहू से विवाद था, मागमा को किससे विवाद था, मागमा को बहू से विवाद था। 53 नंबर क्वेश्चन, रंगपा एक जुआरी था। मंगू की माँ के कितने संतानें थी, मंगू की माँ के चार संतानें थी। या तो हो जाएगा सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। अब देख लीजिए आप लोग, वह एडजेक्टिव था, समय के अभाव में बहुत कम एडजेक्टिव सेट हो पाया है, व्याकरण का कल हम आप लोग को एडजेक्टिव बता देंगे। आज अब देखना है, इसके बाद परीक्षा में जो आने वाला है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 250 से 300 शब्द में, आप ये चार को ही बस आप लोग ये चार से पाँच निबंध बता रहे हैं, उसको अगर आसानी से आप लोग कर लेते हैं तो हो जाएगा। प्रिय पर्व, एगो प्रिय पर्व कर लो, दूसरा कर लो प्रिय पर्व, हो जाएगा दूसरा कर लो आतंकवाद, तीसरा कर लो महंगाई, चौथा कर लो छात्र और अनुशासन, पांचवा कर लो, प्रिय कवि या शिक्षक, प्रिय कवि या शिक्षक। बस आप लोग इस सब पर इतना ही अगर करते हो आसानी से कर लीजिएगा, आप लोग एक कोई प्रिय पर कर लीजिए, उसके बाद आप आतंकवाद कर लीजिए, महंगाई कर लीजिए, छात्र और अनुशासन कर लीजिए,
बस यही चीज आप लोग करके जाइए, आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग आगे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन आने वाला है। आप देखिए क्वेश्चन कुछ है, मगमा और बहू में किस बात का विवाद था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मंगू को शहर क्यों लाया, मंगू को शहर क्यों लाया गया। सीता अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी, क्यों। रंगा पप्पा कौन था और वह मगमा से क्या चाहता था। यहाँ पर है, पापी कौन थी और वह शहर से क्यों लाई गई थी। यहाँ पर लिखा गया है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती थी। यहाँ पे हो जाएगा, कवि की दृष्टि से माली मालिनी कौन है। यहाँ पे हो जाएगा, दिनकर साहब के दृष्टि में आज के देवता कौन है। यहाँ पे हो जाएगा, मछली लेकर कौन भागा था। यहाँ पे हो जाएगा आगे, बहादुर कौन था उसके बारे में लिखे। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा और आगे हम आप लोग के विचार क्वेश्चन बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग कह सकते। यहाँ पर हो जाएगा, खोखा किस मामले में अपवाद था। आगे हो जाएगा, गांधी जी बढ़िया शिक्षा इसे कहते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। यहाँ पे देखना है,
नगर पाठ का सारांश सारांश लिखें। जाति प्रथा के बारे में लिखें। मछली को काटने पर दीदी क्यों रो रही थी? अभिन्यो कहाँ और किस नदी के किनारे है? चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए, यह संभावित प्रश्न है। हो सकता है कि कल हम लोग का परीक्षा सॉरी सोमवार के दिन आप लोग को परीक्षा में आने की संभावना है ये क्वेश्चन।